I've fallen in love with I Love. I love. El bole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। श्री महाभारत कथा कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सार थी जिसके भले श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है वो इतना भयानक है कि सूरज तो अपनी आंखें बंद कर लेगा। मैं क्या करूंगा? आंखें बंद कर लेना तो मेरे वश ही में नहीं है। यदि न भी देखना चाहूं तब भी देखने के लिए विवश हूं। मैंने पिता को पुत्र से, भाई को भाई से, दादा को पोते से, मित्र को मित्र से युद्ध करते देखा। कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा नाता नहीं जो कुरुक्षेत्र में घायल न हो रहा हो, लहू लुहान न हो रहा हो। कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो वाण न चला रहा हो, और कोई ऐसा नाता नहीं जो वीर गति को प्राप्त न हो रहा हो। मैं लहू की नदी में खड़ा हूं। मैंने लहू के कई दरिया पार किए हैं, किंतु मेरे रास्ते में आज तक लहू का ऐसा दरिया कभी नहीं आया था। पता नहीं लहू की ये नदी कब उतरेगी और द्रौपदी के खुले हुए केश कब बंधेंगे। तुमने अपने केश खुले क्यों छोड़ दिए पांचाली? अब ये अपमानित केश खुले ही रहेंगे कि तुम लोग जब इन खुले केशों को देखो
तुम्हें ये याद आ जाए कि दुशासन ने भरी सभा में इनका कैसे अपमान किया था। इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इन्हें ठीक से देखो सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम। ये केश तब तक खुले रहेंगे जब तक तुम में से कोई अपनी अंजली भर दुशासन की छाती का लहू लाकर मुझसे ये ना कहेगा कि पांचाली ये लो दुशासन की छाती का लहू और इनसे अपने केशों का अपमान धो डालो। बधाई हो महारानी, बधाई हो। आप मुझे द्रौपदी कहा कीजिए महारानी। नहीं महारानी, मैं तुम्हें सरंदरी मानने की भूल कर चुकी हूँ। वो कोई भूल नहीं थी, वो तो उन दिनों की कठोर वास्तविकता थी। और महारानी, उन दिनों को भूल ही जाना ठीक है, किंतु आप मुझे बधाई काहे की दे रही थी? मैं बधाई इसलिए दे रही थी कि सुभद्रा नंदन अभिमन्यु ने गंगापुत्र भीष्म का ध्वज काट दिया और गंगापुत्र भीष्म ने प्रसन्न होकर अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया। पितामह के पास देने के लिए घाव और आशीर्वादों के अतिरिक्त और है ही क्या? गुरु वृद्धजनों के लिए ये दिन बड़े काले हैं महारानी। उनके दिनों के सूर्य ग्रहण में हैं और उनके कोष रिक्त हो चुके हैं और उनमें आशीर्वादों की कुछ मुद्राओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया। अपनी कड़वाहट कुछ कम करो प्रिय द्रौपदी। प्रयत्न तो बहुत करती हूँ किंतु ये कड़वाहट कम होती ही नहीं। कभी भूल से भी मेरे हाथ इन केशों की ओर चले जाते हैं तो जल जाते हैं। ऐसा नहीं कि पिता माँ के लिए मेरा हृदय दुखता ना हो, बहुत दुखता है। मुझे उनकी बुलज्जित और विवश आंखें याद है जिनसे उन्होंने कुरु राजसभा में वस्त्रहरण के समय मेरी ओर देखा था। उन लज्जित वृद्ध आंखों ने मेरे अपमान के घाव पर स्नेह लिप लगाने का प्रयत्न भी किया था। मैं उन आंखों का आदर भी करती हूँ और उन्हें प्रणाम भी करती हूँ, किंतु महारानी, क्या वे सचमुच ये नहीं जानते कि स्वयं उनकी प्रतिज्ञा भी कर्तव्य और धर्म से बड़ी नहीं हो सकती? अवश्य जानते होंगे, किंतु आज हस्तिनापुर में हवा ही ऐसी चल रही है जो धर्म के बड़े बड़े छतनार वृक्षों को धर्म के मार्ग से उखाड़ कर फेंके दे रही है। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, पितामह, इन महात्माओं को इस युद्ध में किधर होना चाहिए था और वो किधर दिखाई दे रहे हैं? मैं इनमें से किसी के वीरगति को प्राप्त होने की सूचना की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती, किंतु मैं उनके वीरगति को प्राप्त होने की सूचना की प्रतीक्षा कर भी रही हूँ, क्योंकि तब तक मेरे इन केशों के लिए दुशासन की छाती का लहू मिलना संभव ही नहीं। हे रानी, उन्होंने प्रिय अभिमन्यु के लिए जो आशीर्वाद दिया है वो वास्तव में आशीर्वाद ही नहीं, वो उनके अपराध बोध से दबी हुई अंतरात्मा का प्रतिबिंब भी है। Yeah.
सुशासन। जाकर कुल गुरु आचार्य द्रोण और सारे योद्धाओं से कहो कि वे सब पितामह भीष्म की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस युद्ध में अकेले वही हैं जो हम सबको विजय श्री का प्रसाद देंगे। इसलिए इनका सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। जाओ। मैं तो युयुत्सु को ढूंढ रहा हूं, मूर्ख पराजय की ओर चला गया, परंतु उसे उसके विश्वासघात के लिए दंड तो मिलना ही चाहिए। सारथी, रथ युयुत्सु की ओर ले चलो, चलो। लगता है आज सूर्य अस्त ही नहीं होंगे। पितामह के वाण हमारी सेना को यूं काट रहे हैं जैसे कोई कृषक अपना खेत काटता है। आप चिंता न करें महाराज, विजय सदैव धर्म ही की होती है। आपके पितामह योद्धा नहीं, कायर हैं। यदि वे योद्धा होते तो अपनी इच्छा मृत्यु के कवच को उतार कर रणभूमि में आए होते। अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र हैं, किंतु वो उनका प्रयोग नहीं कर रहा। इस रणभूमि में केवल एक कायर है महाराज, और वो कायर है गंगा पुत्र भीष्म। वे जानते हैं कि वीर गति की प्राप्ति की ओर जाने वाला मार्ग तो बंद है, किंतु आप चिंता न करें महाराज, वासुदेव गंगा पुत्र के इस कवच की कोई ना कोई काट तो सोच ही। उधर बड़ा जमाव है महाराज। तुम कौन हो बालक? मैं मत्स्य नरेश का पुत्र उत्तर हूं महारथी शल्य, किंतु ये मेरा आधा परिचय है महारथी शल्य। और तुम्हारा पूरा परिचय क्या है? मेरी आयु ना देखिए मद्र नरेश, अपने शरीर में मेरे बाणों से लगाए हुए घावों की गहराई देखिए। उन घावों की इस गहराई को नापने के उपरांत ही तो तुम्हें जानने को जी चाह रहा है बालक, अपना पूरा परिचय दो। जिस योद्धा के सारथी आज स्वयं वासुदेव कृष्ण है महारथी शल्य, विराट युद्ध में मैं उस योद्धा का सारथी था। अपनी जीवा को अपने आकार से लंबा ना होने दो बालक, और अब ये संभालो। ये मेरी जीवा नहीं, मेरे बाण है मदर नरेश। हे बालक महारथी, मैं तेरी मृत्यु को सादर प्रणाम करता हूं।
सुदेशना। अरे आप समझ गई, निसंदेह मेरे पुत्र ने रणभूमि में कोई उत्तम कार्य किया होगा और आप मुझे उसी की बधाई देने आए हैं, यही कारण है ना? हाँ, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा उत्तम कार्य किया है सुदेशना। हम दोनों उस पर जितना भी गर्व करें कम है। पांडव सेना की तो बात छोड़ो, उसकी प्रशंसा तो कौरव सेना भी कर रही है। जानती हो, महारथी शल्य ने उसे सादर प्रणाम किया। हार्दिक बधाई हो सुदेशना, हार्दिक बधाई हो। मैंने विराट नगर की ओर सवार दौड़ा दिए हैं कि वे उत्तरा को ले आए। ये क्या किया आपने? ये क्या उसके यात्रा करने के दिन है? पूरे दिनों से है तो क्या हुआ, अच्छा है। महारथी मामा के भांजे, महारथी पिता के पुत्र, महारथी पितामहों के पौत्र को रणभूमि में ही जन्म लेने दो। आपने पहले उसके महारथी मामा का नाम क्यों लिया? अरे वो तो सबसे छोटा है। आज की रात वो सबसे छोटा नहीं है, आज की रात उसी की रात है सुदेशना। आज वो किसी से छोटा नहीं है। रणभूमि कुरुक्षेत्र में किसी महारथी का आकार आज उससे ऊंचा नहीं। सच आर्य? तनिक उसके युद्ध के बारे में विस्तार से सुनाइए ना आर्य। जब शल्य से उसका सामना हुआ तो शल्य ने उससे पूछा, तुम कौन हो बालक? तो उसने कहा, मैं मत्स्य नरेश का पुत्र उत्तर हूं, किंतु यह मेरा आधा परिचय है। आप मेरी आयु ना देखिए, अपने शरीर पर लगे हुए बाणों के घावों की गहराई को देखिए। हे महारथी शल्य, जिस महारथी के सारथी स्वयं वासुदेव कृष्ण हैं, विराट के युद्ध में उस योद्धा का सारथी मैं था। अरे फिर द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ। तुम्हारे पुत्र ने शल्य की छाती भेदी, शल्य ने तुम्हारे पुत्र की छाती छेदी, दोनों लोहू लुहान रणभूमि कुरुक्षेत्र में हर योद्धा इस द्वंद युद्ध को रुक कर देख रहा था और सबकी आंखों से ऐसा लग रहा था मानो कह रही हो, धन है वो माता जिसने इस वीर बालक को जन्म दिया। किंतु आप रो क्यों रहे? ये आंसू गौरव के हैं सुदेशना, ये आंसू आनंद के हैं, ये आंसू सम्मान की लेखनी है जो आज मुझे उत्तर का पिता होने के कारण मिली है। यह आंसू तुम भी बहाल हो, यह आंसू तुम भी बहाल हो सुदेशना। आप कुछ छुपा रहे हैं आर्य मुझसे, आप कुछ छुपा रहे हैं। सम्मान छिपाया नहीं जाता सुदेशना, छिपाया नहीं जाता। मैं तो चिल्ला चिल्ला कर ये कहना चाहता हूं कि हे संसार देख, मैं महारथी उत्तर का पिता हूं। कल तक उसका परिचय ये था कि वो मेरा पुत्र है, किंतु आज से मेरा परिचय यह है कि मैं महारथी उत्तर का पिता हूं। और तुम्हारा परिचय यह है
कि तुम महारथी उत्तर की माता हो। हम तो धन्य हो गए सुदेशना, धन्य हो गए। जानती हो रणभूमि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? महारथी शल्य अपने रथ से उतरे और तुम्हारे पुत्र के शव को प्रणाम करके बोले, हे बालक महारथी, मैं तेरी मृत्यु को सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने किससे कहा? मेरे उत्तर के शव से? हाँ सुदेशना, हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र के वीर गति को प्राप्त होने पर शोक नहीं प्रकट कर सकता। यह उसकी मृत्यु का अपमान होगा। मेरी बधाई स्वीकार करो उत्तर की माता, मेरी बधाई स्वीकार करो। इतिहास इन सैनिकों के नाम तक नहीं बताएगा, किंतु ये बेनाम लोग नहीं हैं। इनके माता पिता ने बड़े चाव से इनके नाम चुने होंगे। ये जो एक दूसरे को मार कर मर गए, ये न एक दूसरे के मित्र थे और न ही शत्रु। यदि ये रणभूमि के सिवा कहीं और मिलते तो शायद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते, शायद एक दूसरे से पूछते कि वो कहां का रहने वाला है, शायद एक दूसरे को बताते कि उनके घर में कौन कौन है। इन शवों पर यमराज के सिवा किसी और का हस्ताक्षर भी नहीं है। कौन किस तरफ से लड़ा, कौन किस तरफ से मरा, अब ये कोई नहीं बता सकता। अपने घरों से दूर लाशों की इस भीड़ में हर लाश अकेली है, इसलिए मेरे यहां ठहरने का कोई मतलब नहीं, तो कहीं और चलूं। महारानी की जय हो। महारानी गांधारी पधार रही हैं। प्रणाम दीदी। आइए दीदी। यहां बैठिए। कैसी हैं दीदी? जिस माता के पुत्रों के बीच घमासान युद्ध चल रहा हो, वो माता कैसी हो सकती है कुंती? तुम्हारा अपनी दीदी के प्रति स्नेह भी अनूठा है। दीदी सामने आ जाती है तभी तुम्हें उसकी याद भी आती है। ऐसा ना कहें दीदी, आप तो जानती हैं कि मैं वहां आके जेठ श्री को
ये सब दिखावे की बातें हैं। चाहे तुम्हारे साथ कैसा भी अन्याय क्यों ना हुआ हो कुंती, किंतु वो ही तुम्हारा घर है। और आजकल जबकि विदुर भी अपनी पत्नी समेत बाहर गए हुए हैं, तब तो तुम्हारे यहां रहने का कोई तात्पर्य भी नहीं। मैं तुम्हें लेने आई हूं। हमारे हृदय कोई राज्य नहीं है जहां सुख और दुख का विभाजन हो। रणभूमि से चाहे कैसा भी समाचार क्यों ना आए, वो हम दोनों का है, हम दोनों के लिए है। कुंती, प्रतीक्षा के इन कठोर क्षणों, दिनों और रातों में मैं अकेली नहीं रह सकती। मेरी आंखों पर बंधी ये पट्टी मेरे आंसू तो नहीं पोंछ सकती ना। मैं क्षमा चाहती हूँ दीदी, किंतु हम केवल दो माएं ही नहीं हैं, हम दो शत्राणियां भी हैं दीदी, जिनके पुत्र आपस में युद्ध कर रहे हैं। मैंने विजय का आशीर्वाद ना ही दुर्योधन को दिया और ना ही अपने पुत्रों को, किंतु वासुदेव के साथ युधिष्ठिर के लिए मैंने ये संदेश अवश्य भिजवाया था कि जिस दिन के लिए क्षत्राणियां पुत्रों को जन्म देती हैं वो दिन आ गया है। राजभवन में तो मेरे लिए बहुत जगह है दीदी, और मैं ये जानती भी हूँ, किंतु हस्तिनापुर के राजभवन में मेरे इस संदेश के लिए तो कोई जगह नहीं हो सकती ना दीदी। और इस संदेश को मैं यहाँ विदुर के घर में अकेला भी नहीं छोड़ सकती। विजयश्री का आशीर्वाद मैंने भी दुर्योधन को नहीं दिया था, वो तो मेरे आशीर्वाद का कवच पहने बिना ही कुरुक्षेत्र की ओर कूच कर गया था। मैंने तो उससे ये भी नहीं कहा था कि जिस दिन के लिए शत्राणी अपने पुत्र को जन्म देती है वो दिन आ गया है। लाक्षाग्रह, द्युत क्रीड़ा और द्रौपदी के अपमान की यादों ने मेरी जीवा में गांठ डाल दी थी। कुंती, हो सके तो मेरे पुत्रों को क्षमा कर देना। दुर्योधन मन का मैला नहीं है, परंतु उसकी आंखों पर, उसके आम और उसके हठ की पट्टी बंधी हुई है। वो अपने पिताश्री की नेत्रहीनता का उत्तराधिकारी है। पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य, ये सब तो जयश्री की नेत्रहीनता के उत्तराधिकारी तो नहीं है ना दीदी। द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश दुर्योधन ने तो नहीं दिया था। हस्तिनापुर की रोगी और लांछित राजनीति और उसके निहित स्वार्थ ने दिया था दीदी। दुर्योधन तो उस कलंकित राजनीति का केवल एक प्रतिबिंब है, तो किसका कीजिए दीदी कि इस मैली राजनीति को धोने के लिए रणभूमि में रक्त का एक सरोवर बनाना पड़ेगा। और हे दीदी, ये सरोवर मेरे और आपके पुत्रों के लहू का होगा। मैं आज तुम्हें ये समाचार देने आई थी कि आज वहां बड़ा रण हुआ, हजारों हजार योद्धा और सैनिक मारे गए, बड़े बड़े राजनीतिक ध्वज कटे, किंतु उस युद्ध में तुम्हारे पुत्र भी सुरक्षित रहे
और मेरे पुत्र भी। किंतु इस युद्ध के हर दिन के उपरांत आने वाली सांझ में आपके पास मुझे देने के लिए ये सूचना नहीं होगी। भगवान भगवान आपके पुत्रों को लंबी आयु दे दीजिए। भगवान तुम्हारे पुत्रों को भी लंबी आयु दे। अब देखना ये है कि भगवान किसके आशीर्वाद की लाज रखते हैं। बड़े भैया, शवों की गिनती घायलों की गिनती से कहीं बड़ी है, तो कल क्या होगा वासुदेव? राजवंशों और राष्ट्रों को साधारण दिनों के मापदंड से नहीं मापना चाहिए सम्राट युधिष्ठिर। इतिहास के दिन इन दिनों से बहुत बड़े होते हैं, इसलिए कल की बात न कीजिए। और युद्ध में न घाव गिनिए और न ही शव। जिसके साथ भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे भाई हो, जिसके ध्वज के तले अभिमन्यु जैसा पुत्र युद्ध कर रहा हो, जिसे सात्यकी, मत्स्य नरेश, महाराज द्रुपद और महारथी शिखंडी का सहयोग प्राप्त हो, और जिसकी सेना का प्रधान सेनापति दृष्टद्युम्न जैसा महारथी हो, उस सम्राट को उदास होने का और युद्ध के परिणाम की ओर से चिंतित होने का कोई अधिकार नहीं है। आज ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, आज तो ये युद्ध आरंभ हुआ है। एक दिन ये युद्ध समाप्त भी होगा, परंतु ये निश्चित है कि ये युद्ध आप ही की विजय पर समाप्त होगा। बड़े भैया, आपकी विजय पर समाप्त होगा, इसलिए चिंता न कीजिए और सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कीजिए।
ध्रुपद पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गया संजय। लगता तो यही था महाराज, किंतु कुंती पुत्र भीम उन्हें बचाकर निकाल ले गए। ताश्री को देखो, माना कि इस युद्ध में केवल उनकी प्रतिज्ञा भाग ले रही है और स्वयं वे रणभूमि में नहीं है, फिर भी जब तक वे हैं तब तक ढारस है। वे अनुज पुत्रों ही की भांति मेरे पुत्रों पर भी आंच नहीं आने देंगे। हे संजय, सर्वनाश और हमारे बीच उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देखो संजय, हे गिरिधर, यदि पितामह को नहीं रोका गया तो हमारी विजय असंभव है, और यदि विजय मिली भी तो हम शवों के इस भयंकर वन में अकेले खड़े होंगे। उनका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। हे महाबाहो, तुम्हारे ध्यान में कौन सा उपाय है? विजय के लिए पितामह का वध आवश्यक है। रथ उनकी ओर ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। इच्छा नहीं गिरिधर, इच्छा नहीं, कर्तव्य पालन। लो पार, इस वाण द्वारा पितामह ने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया और तुम्हारा स्वागत भी किया है। विजयी भव वत्स, विजयी भव। हे भरत शिरोमणि, हे पितामह, मेरा युद्ध आपसे नहीं है, अत्याचार से है, अन्याय से है, अंधकार से है, असत्य और अधर्म से है। तो क्या आप अधर्म के पक्ष में युद्ध करने आए हैं पितामह? ये दोनों सेनाएं वाद विवाद के सारे सागर पार करके इस रणभूमि में पहुंची हैं पुत्र। वैसे भी वाद विवाद के लिए रणभूमि उचित स्थान नहीं है, इसलिए जो कुछ कहना है अपनी बाणों की भाषा में कहो पुत्र, मैं भी उसी भाषा में उत्तर दूंगा। जो आज्ञा। ये तो धनंजय का शंख है। हाँ, लगता है कोई भयंकर द्वंद्व युद्ध होने वाला है। कदाचित दुर्योधन और अर्जुन में। नहीं महारानी, वो असभ्य महारथी भला मेरे महारथी का सामना क्या करेगा? तो फिर अंगराज कर्ण और पितामह ने तो सूत पुत्र को युद्ध करने की आज्ञा ही नहीं दी है। वो भी अब नारियों की भांति अपने शिविर में बैठा ये कोलाहल सुन रहा होगा। हे भगवान, सारे अन्याय मेरे ही साथ क्यों? और मेरी विवशता ये कि मैं गंगा पुत्र भीष्म जैसे शूरवीर के वीरगति को प्राप्त होने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, किंतु मैं उनके वीर गति को प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर भी रहा हूं। मैं ये पाप कर रहा हूं महादेव, पाप कर रहा हूं मैं। मेरे और इस युद्ध के बीच में वही खड़े हैं, मेरे और इस युद्ध के बीच में केवल वही खड़े हैं, और यदि मैंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया तो चाहे मैं हजार बार जन्म ले लूं, फिर भी मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। हे महादेव,
मुझे इस दलदल से निकालो। गंगा पुत्र से कहो कि वो मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें। आमंत्रित करें। युद्ध खड़ा हो सामने और विवश हो भी, पल पल योद्धा सोचता होता और अधीर। भारतवर्ष पर ये दिन बहुत भारी हैं। मैंने तो शवों को गिनना भी छोड़ दिया है। मैं अब घावों और घायलों की तरफ भी नहीं देखता। और मैं जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता, इस युद्ध के अंत की प्रतीक्षा कर रहा हूं। दिन गिन रहा हूं, क्षण गिन रहा हूं। दिन भर युद्ध होता है, तीर बरसते हैं, छातियां ढूंढते भाले हवा में तैरते हैं, गदाओं के टकराने से चिंगारियां निकलती हैं। अधमरे लोग किसी महारथी के रथ को अपनी तरफ आता देखते हैं, लेकिन अपने आप में आते हुए रथ के रास्ते से हट जाने की ताकत नहीं पाते। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट में उनकी आखिरी चीख गुम हो जाती है। पल भर पहले जो मनुष्य था, वो पल भर बाद उसी मनुष्य का शव बन जाता है। फिर सूरज डूब जाता है और योद्धा सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगते हैं। लेकिन उदय होने वाला सूरज भी अस्त हो जाने वाले सूरज ही की तरह लहूलुहान दिखाई देता है। और फिर तीरों की वर्षा शुरू हो जाती है। देव और अर्जुन के संयोजन का सामना जब आप और आचार्य द्रोण तक नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये किसके रोके रुकेंगे? और जिस योद्धा में इन्हें रोकने की क्षमता है उसे आप अपने ध्वज की छाया तक देने को तैयार नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, हमारी विजय के लिए अर्जुन वध आवश्यक है और आप अर्जुन वध करेंगे नहीं तो फिर कर्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन योद्धा है जो अर्जुन को रोक सके? वह सभ्य योद्धा मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं करेगा। यदि हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा पर तुम्हें विश्वास नहीं तो बना लो किसी और को अपना प्रधान सेनापति। ना ऐसा मैंने कहा है पितामह, और ऐसा ना ही मैं सोच सकता हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा दोष यही है पुत्र कि तुम सोच सकते ही नहीं। यदि सोचते या सोच सकते तो वासुदेव की बात मानकर पांडु पुत्रों को 5 गांव दे देते। शवों के इस खलियान के तुम ही उत्तरदायी हो पुत्र, तुम ही। अब जाओ यहां से और युद्ध करने दो मुझे। विश्वास रखो, जब तक मेरे हाथ में धनुष है मैं तुम्हारी सेना को पराजित नहीं होने दूंगा। We'll be right back.
ये सूर्य अस्त क्यों नहीं हो रहा है? कल जब मैं चाहता था कि अस्त ना हो तो ये अस्त हो गया था, आज जब मैं चाहता हूँ कि अस्त हो तो ये अस्त क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे लिए भला सूर्य देव अपनी गति क्यों बदले गांधारी नंदन? तुम एक शूरवीर हो, सूर्य की ओर मत देखो, अपने शत्रुओं की ओर देखो। किसका किसका लहू गिरेगा पहचानेगा कौन? लहू लहू में मिल जाएगा, मौत रहेगी मौन, मौत रहेगी मौन। मामाश्री, क्या बात है मित्र? मैं तो सारा दिन युद्ध का कोलाहल सुनता रहा और सोचता रहा कि विजय किसकी हो रही होगी। फिर सोचा कि तुम्हारे प्रधान सेनापति ने तो इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है, तो विजय निसंदेह तुम्हारी हो रही होगी। इसी इच्छा मृत्यु के कवच ने ही तो समस्या खड़ी कर दी है अंगराज, समस्या खड़ी कर दी है। वे तो पांडवों का वध नहीं करेंगे और कोई और उनका वध नहीं कर सकता। यदि ये इच्छा मृत्यु का वरदान आड़े ना आ रहा होता तो मैं कब का किसी और को प्रधान सेनापति बनवा चुका होता। ये तुम्हारे गंगापुत्र, ये भरत शिरोमणि, अरे ये हमें हारने तो अवश्य नहीं देंगे भांजो, परंतु ये भी निश्चित है कि हमें जीतने भी नहीं देंगे। तो मामाश्री, ऐसे प्रधान सेनापति का अर्थ ही क्या है जो ना तो हमें हारने देगा और ना ही जीतने? मैं तो उन्हें प्रधान सेनापति बनाना ही नहीं चाहता था, किंतु आप हैं के। अरे भांजे दुर्योधन, कभी कभी ये किंतु जैसे शब्द सामने आ ही जाते हैं और इन शब्दों का सामना भी करना पड़ता है। यदि तुम अपने मित्र अंगराज को प्रधान सेनापति बनवा भी देते तो तुम रणभूमि में अपने भाइयों, अपने इस मित्र और अपने मामाश्री के साथ अकेले खड़े दिखाई देते भांजे, अकेले खड़े दिखाई देते। ये जो भारतवर्ष के इतने ध्वज तुम्हारे ध्वज के साथ दिख रहे हैं ये ना दिखाई देते भान। परंतु मैं क्या करूं मामाश्री, हमारी विजय के लिए अर्जुन वध आवश्यक है और पितामह भीष्म अर्जुन वध करेंगे नहीं, और उस अर्जुन ने शवों के ढेर लगा दिए हैं। यदि यह संभव होता तो किसी और को प्रधान सेनापति बनाने के लिए स्वयं मैं पितामह भीष्म का वध कर देता। मुझे यह युद्ध जीतना है और मैं ये युद्ध अपने मित्र कर्ण की सहायता के बिना नहीं जीत सकता। यदि अर्जुन प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर मेरा ये मित्र कर्ण है। यदि अर्जुन का उत्तर चाहते हो मामाश्री, तो पितामह भीष्म के स्थान पर किसी और को प्रधान सेनापति कैसे नियुक्त किया जाए उस पर विचार करो। अरे इस विषय पर तो तुम्हारे मामाश्री को विचार करने की आवश्यकता नहीं है प्रिय भांजे, क्योंकि यदि पांडव ये युद्ध जीतना चाहते हैं तूने भी गंगा पुत्र को रणभूमि से हटाने का कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो फिर उनका कार्य हम क्यों करें भांजे, हम क्यों करें भला? और फिर उनके साथ तो वासुदेव कृष्ण भी हैं, अरे उन्हें ही सोचने तो उनका उपचार।
ये कांटा तो उनके भी कंठ में अटका हुआ है। गंगा पुत्र भीष्म का कांटा। हा! तुम इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये जो सामने खड़े हैं इनमें अपने पितामह को न देखो, इनमें अपने शत्रु को देखो। इस धर्म युद्ध में जो भी अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है वो तुम्हारा शत्रु है, वो मानव समाज का शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। जानते हो अकेले गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों, कितने योद्धा और कितने महारथियों का वध किया है? तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले उन सारे सेनानियों के ऋणी हो कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उनके ऋणी हो। और यदि गंगा पुत्र का वध करके वो ऋण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके वो ऋण मैं उतारूंगा। तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, स्वागत है। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद, स्वयं मुझे मारने आकर तुमने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है। देखो, मैंने अपना धनुष भी रख दिया है और बाण भी रख दिए हैं। युद्ध स्थल में आपके हाथों मारे जाने से मेरा तीनों लोकों में कल्याण ही होगा। हे गिरधर, सुदर्शन चक्र को अपना दूत बनाकर मेरी मुक्ति का संदेश भेजो। गिरधर, संदेश भेजो। केशव, 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 नहीं केशव, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे गिरिधर गोपाल, आप वचनबद्ध हैं कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये मित्र, आपका ये सखा, आपका ये भक्त इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। केशव, इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। हे कृपालु, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। मैं वचन देता हूं कि आप मेरे वाण किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। केशव, किसी को भी नहीं। अपना धनुष उठा लीजिए गंगा पुत्र। हे कालेश्वर, यदि ये सूर्य थोड़ी देर और ठहर जाए तो महादेव की सौगंध, मैं ये युद्ध आज ही समाप्त कर दूंगा। केशव, आज ही समाप्त कर दूंगा। ये युद्ध मानव समाज के कल्याण के लिए हो रहा है पार्थ, और मानव समाज का कल्याण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य को स्वयं अपने समय पर उदय होने दो और अपने ही समय पर अस्त होने दो। लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था पार्थ। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है।
इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो, और सूर्य की ओर न देखो, युद्ध करो। जो आज्ञा पेशा। घाव अधिक गहरे तो नहीं है ना ताच्छिरी? जो सबसे अधिक गहरा घाव है गंधार नरेश, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। भरत वंश के जिस छतनार वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो गंधार नरेश, यदि वो ही नहीं रहा तो तुम कहां जाओगे? हटाओ इस स्नेह लेप को, इन घावों का कोई महत्व नहीं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है पुत्र, उनसे संधि कर लो, लौटा दो पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ। चाहे मैं हस्तिनापुर हार ही क्यों ना जाऊं पितामह, किंतु देने के नाम पर तो मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि तक नहीं दूंगा। और अब तो मुझे विश्वास हो गया है पितामह कि आप आचार्य द्रोण और कृपाचार्य के होते मैं ये युद्ध जीत नहीं सकता। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो भांजे दुर्योधन? यदि ये तीनों महापुरुष ना रहे होते तो तुम ये युद्ध कल ही हार गए होते। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं मामाश्री, किंतु यदि कल इन तीनों महापुरुषों ने चाहा होता तो मैं ये युद्ध अवश्य जीत गया होता। मेरी सेना ये जानती है कि जिन पांडवों से वो युद्ध कर रही है उनमें से किसी एक का भी वध इस प्रधान सेनापति के हाथों नहीं होगा। कोई वृक्ष स्वयं अपनी शाखाएं नहीं काटता पुत्र, तुम भी मुझे पांडवों से कम प्रिय नहीं हो। यदि ऐसा नहीं होता तो अभी अभी तुमने असभ्यता का मेरे सामने जो प्रदर्शन किया है, महादेव की सौगंध, उसके उपरांत तुम अभी जीवित खड़े नहीं दिखाई देते। पर तुमने भी मेरे स्नेह का वही कवच पहन रखा है जो प्रिय पांडवों ने पहन रखा है, और मेरा कोई बाण उस कवच को नहीं भेद सकता पुत्र। इसलिए मुझसे लंबी आयु का आशीर्वाद लो और जाओ विश्राम करो, कल फिर युद्ध करना है। क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूं पितामह? नहीं, जब तक इस सेना का प्रधान सेनापति मैं हूं, वांगराज कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं लेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं पितामह कि आप उस परशुराम शिष्य कर्ण को किस अपराध का दंड दे रहे हैं? उसने मेरे गुरु परशुराम का अपमान किया है, उनका कोई शिष्य असभ्य नहीं हो सकता पुत्र। और उसने भरी राजसभा में कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहकर उसका घोर अपमान किया है। जो नर किसी नारी की मर्यादा की रक्षा ना कर सके वो मेरे ध्वज तले युद्ध नहीं कर सकता पुत्र, नहीं कर सकता।
यदि वो अपराध है पितामह, तो ये अपराध हम सभी ने किया है, मैंने किया है, आपने किया है। परंतु भांजे के कहने का ये तात्पर्य नहीं था ताजश्री। गंधार नरेश, आप कृपया मुझे ताजश्री ना कहा कीजिए, न कहा कीजिए। इस युग में अब इन नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ये किंतु शब्द हैं जो अब अपने से बड़ों को पत्थरों की भांति उठाकर मारने के काम में आते हैं। और दुर्योधन ने अभी जो कुछ कहा है उसका तात्पर्य वही था जो मैंने निकाला है, जो मैंने समझा है। और वत्स, क्या ये उस अपराध का दंड नहीं है कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे पक्ष में? अब जाओ और मुझे अपने इस अपराध बोध के साथ अकेला छोड़ दो। परंतु पितामह आप, यही तो मेरा दुर्भाग्य है दुशासन, कि मैं तुम जैसों का पितामह हूं। और यदि माता सत्यवती ने मुझे तुम सबको न सौंपा होता पुत्र, तो मैं तुम सबको कब का त्याग चुका होता। तुम सभी ने जगह जगह पर बार बार मेरे श्वेत केशों का अपमान किया है, किंतु याद रखो पुत्र, कि मैं इस अपमान का विष पीकर केवल हस्तिनापुर के लिए जी रहा हूं, केवल हस्तिनापुर के लिए। तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति जीना चाहे। यदि मेरी निष्ठा पर अब तुम्हें भरोसा नहीं रहा तो किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लो। मैं किसी और को अपना प्रधान सेनापति बना लूं इसलिए कि आप उन पांडवों के पक्ष में युद्ध कर सके? नहीं पितामह, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपकी अंतरात्मा चाहे उन पांडवों के पक्ष में हो, परंतु आपको युद्ध मेरे ही पक्ष में करना पड़ेगा। प्रणाम। प्रणाम ताजश्री। प्रणाम पितामह। किंतु यह घाव, क्या अब आप भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे? इन घावों को छोड़िए, स्वयं भर जाने वाले घाव हैं। जो आज्ञा। चाहिए
तुम्हारा स्वागत है अनुजो। मैं तो दुर्योधन और दुशासन को खोज रहा था, किंतु तुम भी तो नागफनी के कांटे ही हो, तुम्हें भी तो काटना ही होगा। लगता है तुम्हारी इन आंखों को अच्छी घटनाएं दिखाई ही नहीं देती। तुम क्या केवल मेरी सेनाओं की पराजय ही देख सकते हो? क्या अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अभिमन्यु इत्यादि कहते तुम्हें कोई और युद्ध करता दिखाई ही नहीं देता? क्या मेरे पुत्र युद्ध की कला भूल चुके हैं? दाश्री, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, ये महारथी क्या कर रहे हैं? ये सब युद्ध कर रहे हैं महाराज, किंतु किंतु अपने इस किंतु को मेरे इस कक्ष से बाहर फेंका संजय। ये शब्द सदैव ही मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। मुझे गांधारी के पास जाना चाहिए। पुत्र, तुम्हारा हाथ कहाँ है प्रिय? युद्ध में आज क्या हुआ रे पुत्र? युद्ध में आज क्या हुआ रे पुत्र? आज आज युद्ध में हमारे 10 पुत्र। क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को? क्या हुआ हमारे 10 पुत्रों को? वीर गति को प्राप्त हो गया रानी। हमारे 10 पुत्र
अर्थात युद्ध के अंत ने निकट आना आरंभ कर दिया। रात को मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक वन में अकेली खड़ी हूं और मेरे चारों ओर हरे भरे वृक्ष कटे पड़े हैं। क्या पाए और बोले, यहां से चलो गांधारी, मैंने आपसे पूछा कि हरे भरे वृक्ष किसने काटे हैं, तो आपने कहा कि ये वृक्ष मैंने काटे हैं। मैंने पूछा कुल कितने वृक्ष काटे हैं, तो आपने कहा 100। ये सुनकर मैं डर गई। मैंने ऐसे ठठोल कर आपका कंधा पकड़ा और कहा कि आपने ये वृक्ष काटे हैं या मेरे पुत्रों के शव। मेरे इस प्रश्न का आपने कोई उत्तर नहीं दिया रे पुत्र। और मेरी आँख खुल गई। क्या तुम ये कह रही हो कि मैं अपने पुत्रों का हत्यारा हूं? नहीं अरे पुत्र, मैं ये तो नहीं कह रही। मैंने तो केवल एक सपना सुनाया था। संजय से भागकर मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम मेरी पीड़ा को समझोगी और मेरी ढारस बंधाओगी, किंतु यदि मैं तुम्हारे कक्ष में भी अकेला ही हूं तब तो इसका अर्थ यही निकला ना कि मैं सचमुच बिल्कुल अकेला रह गया। सो जाओ और कोई दूसरा सपना देखो, मैं सुनने के लिए आ जाऊंगा। अरे पुत्र, अकेले तो हम दोनों ही हैं और दुखी भी हम दोनों ही हैं। जिस पिता के 10 पुत्रों के वीर गति प्राप्त होने का समाचार उसको मिला हो, उसे अपने कक्ष में अकेला नहीं होना चाहिए। कक्ष आपके आंसुओं की भाषा नहीं समझ पाएगा अरे पुत्र, इसलिए यहां बैठिए, रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है, रोना तो हम दोनों को ही है। भरनी पड़ती है सदा
अपनी करनिया बोया जिसने पाप है काटेगा वह पाप। सूरज अपने समय पर निकलता और डूबता रहा और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सत्य और असत्य के बीच घमासान युद्ध चलता रहा। एक दिन के बाद दूसरा दिन आता रहा, पर कहानी वही है कि लोग मर रहे हैं, युद्ध चल रहा है। मैं भी इस रणभूमि में तीरों से छलनी खड़ा हूं, सोच रहा हूं कि ये धर्म युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध के ढंग से तो लगता है कि जैसे ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। कभी कौरवों का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी पांडवों का, किंतु हर दिन के साथ गांधारी पुत्र गिनती में कम होते जा रहे हैं। नौवां दिन समाप्त हुआ तो गांधारी केवल 74 पुत्रों की मां रह गई। हे सूर्यदेव प्रणाम। अब मैं भी अपने घावों पर रात के मृदुल अंधकार का स्नेह लेप लगाऊंगा और आपके उदय होने की प्रतीक्षा करूंगा, किंतु ये रात जागने की रात है, विचार करने की रात है। आदरणीय है ये रात क्योंकि वो एक ऐसा दृश्य देखने वाली है जो न आज से पहले किसी रात ने देखा और न आज के बाद कोई रात देखेगी। युधिष्ठिर के शिविर में सब बैठे सोच रहे हैं और ये सोच आज की रात की भूमिका है। हे मत्स्य नरेश, आपके विचार में ये युद्ध जीतने का क्या उपाय है? गंगा पुत्र के रहते तो ये युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता महाराज,
किंतु उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है मत्स्य नरेश। यही तो कठिनाई है, नहीं तो मैं अब तक उनके जीवन वृक्ष को ना जाने कितनी बार काट चुका हूं। राधा दृष्टद्युम्न, उनके विषय में ऐसे कठोर स्वरों का उपयोग ना करो। तो क्या उनके चरण स्पर्श करूं और ये कहूं कि हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप ही के कारण जो युद्ध हम एक दिन में जीत सकते थे उसे हम 9 दिन में भी जीत ना पाए। ये तो बड़ा ही क्षत्रिय विचार है भ्राता दृष्टद्युम्न। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जाकर उनके चरण स्पर्श करूं? उन जैसे महात्मा का चरण स्पर्श तो बड़े सौभाग्य की बात है ना राजकुमार। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके आशीर्वाद के अतिरिक्त और कोई प्रसाद है ही नहीं। किंतु आपके जाने से कुछ नहीं होगा, बड़े भैया जाएं और गंगा पुत्र ने इन्हें जो विजयी होने का आशीर्वाद दिया था उसे लौटा आए। उनका आशीर्वाद लौटा वासुदेव? हाँ बड़े भैया, यदि उनके आशीर्वाद और आपके बीच स्वयं वही धनुष में वाण लगाए खड़े हैं तो फिर उनके उस आशीर्वाद का क्या अर्थ? भूखे के सामने सोने की थाली किंतु रिक्त, भूखा क्या थाली खाएगा बड़े भैया? यदि उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया है तो उनके उस आशीर्वाद की रक्षा भी तो वही करेंगे ना। किंतु माधव पार्थ, किसी किंतु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वे जानते थे कि इस धर्म युद्ध में वे तुम्हारे विरोध में युद्ध करेंगे। वे ये भी जानते थे कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है। वे ये भी जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति स्वयं वही हैं और जब तक वे वीरगति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडव सेना की विजय संभव नहीं। तो फिर उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया ही क्यों? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते मामाश्री? मैं क्या जानता हूं इसे छोड़ो वत्स, परंतु बड़े भैया और पितामह के बीच में मैं क्यों पढ़ूं? ये तो पौत्र और पितामह की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, तो ये तो बड़े भैया जाने और पितामह जाने। बड़े भैया आप चाहें तो पार्थ को भी साथ लेते जाइए। आओ पुत्र आओ। विजयी भव वत्स, विजयी भव। हम यहां आशीर्वाद लेने नहीं आए पितामह, हम तो अपनी आंखों की ओर से यह आभार प्रकट करने आए हैं कि उन्हें रणभूमि में परशुराम शिष्य भीष्म के दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो अपने शरीर की ओर से आभार प्रकट करने आए हैं कि हमारे शरीर को आपके वाणों से घावों का प्रसाद मिला, किंतु हमें कोई आशीर्वाद ना दीजिए पितामह, कोई आशीर्वाद ना दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स, क्या कह रहे हो? क्या मुझसे आशीर्वाद न लेने का अर्थ यह है वत्स कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे? हम ये पाप कभी नहीं कर सकते पितामह, किंतु हम आपसे विजयश्री का आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहते। पर क्यों पुत्र क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते पितामह कि आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा हो, क्योंकि हमारी विजय और हमारे बीच में स्वयं आप खड़े हैं पितामह।
स्वयं आप। हाँ पुत्र, तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच में खड़ा तो अवश्य हूं, पर विवश हूं पुत्र, बीच से हट नहीं सकता। ना तो मेरी पराजय संभव है, ना ही मत। जब ही तो वासुदेव ने कहा कि युद्ध के पहले दिन जो आपने आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद मैं आपको लौटा दूं। अच्छा अच्छा, तो ये वासुदेव ने कहा है। उनसे कहना पुत्र, मैं दी हुई वस्तु वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। किंतु पितामह, मेरा बाण काटो पुत्र, मेरा धनुष काटो पुत्र, मैं अति प्रसन्न होऊंगा। और मेरी बात न काटो, ये काम दुर्योधन के लिए छोड़ दो। क्षमा चाहता हूं पितामह। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, क्या कह रहा था मैं? हाँ, माधव से जाकर कहना कि दी हुई वस्तु में वापस तो नहीं ले सकता, चाहे वो आशीर्वाद ही क्यों ना हो। उससे जाकर यह भी कहना कि वो तो भली भांति जानते हैं कि अंत में जीत तो उन्हीं की होगी, क्योंकि वही आरंभ है, अंत भी वही और मध्य भी वही। वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच से इस गंगा पुत्र भीष्म को हटाने का उपाय क्या है। यदि कोई नारी सामने आ जाए तो यह परशुराम शिष्य अस्त्र को हाथ नहीं लगाएगा। फिर इस निहत्थे को रणभूमि से हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी प्रिय अर्जुन? किंतु रणभूमि में नारी कैसे आ सकती है पितामह? यह तो क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। वासुदेव ने तुम्हें जो कुछ पूछने को कहा था प्रिय युधिष्ठिर, मैंने वो बता दिया। अब मर्यादा का ये प्रश्न लेकर तुम उसी के पास जाओ। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। अमरूद खाओगे ना कुल? इच्छा नहीं है। बड़े मीठे हैं। इच्छा नहीं है भैया। तुम खाओगे पार्थ। बड़े भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए केशव। पितामह से युद्ध करने के लिए नारी कहां से लाई जाए? क्या यहां पर मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूं? कल मैं पितामह का सामना करूंगी। लो पार्थ, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मिल गया। कल्याणी गंगा पुत्र का सामना करेगी। किंतु क्या ऐसा करने से क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाएगा वासुदेव? पुरुषों के होते हुए यदि नारी को रणभूमि में आना पड़े तो यह पुरुषों के लिए मरने की बात है। बात तो बड़े भैया भी ठीक ही कर रहे हैं पांचाली। पुरुषों के होते भला नारी रणभूमि में क्यों जाए? मुझसे पुरुषों की बात न कीजिए वासुदेव। कुछ पुरुषों को मैं भी जानती हूं। ये पांच महापुरुष चाहते यही है कि कोई भी ऐसा मार्ग निकल आए कि ये गांधारी पुत्र का वध करने से बच जाए। वे तो इन महापुरुषों के सगे हैं, मैं तो पराई हूं। यदि मेरा अपमान भी हो गया तो कौन सा आकाश फट पड़ा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब ये तो तुम इनके साथ खुला अन्याय कर रही हो कल्याणी। ये महापुरुष हैं, जब ही तो साधारण व्यक्तियों की भांति प्रत्याक्रमण नहीं करते। तुम भी एक असाधारण नारी हो द्रौपदी, और एक असाधारण नारी की भांति प्रत्याक्रमण करना सीखो। क्या तुम ये चाहोगी कि कल इतिहास ये कहे
कि तुम्हारे इन खुले हुए केशों के लिए लाखों लोग कट गए? क्या तुम्हारे ये अपमानित केश रणभूमि में पड़े लाखों शवों का बोझ उठा सकेंगे? तुम केवल एक नारी नहीं हो कल्याणी, तुम समस्त नारी जाति के स्वाभिमान का प्रतीक हो। इसलिए जहां मूल प्रश्नों पर वाद विवाद चल रहा हो, वहां अपने ये अपमानित खुले हुए केश न दिखलाया करो। आपका कहना उचित है बड़े भैया, आपके होते कल्याणी रणभूमि में नहीं जा सकती, किंतु भ्राता शिखंडी को तो कोई मर्यादा रोक नहीं सकती। भ्राता शिखंडी? वे महारथी अवश्य हैं केशव, किंतु वे पितामह का सामना नहीं कर सकते। और फिर पितामह ने नारी की बात की थी, वे अर्ध पुरुष ही सही, किंतु हैं तो पुरुष ही ना। वे तुम्हारे लिए अर्ध पुरुष होंगे पार्थ, परंतु पितामह उन्हें देखते ही धनुष रख देंगे। ऐसा क्यों वासुदेव? ऐसा इसलिए प्रिय सहदेव कि गंगा पुत्र के लिए महारथी शिखंडी नारी ही हैं। गंगा पुत्र उनमें काशी की राजकुमारी अंबा को अवश्य पहचान लेंगे। यह ठीक है कि गंगा पुत्र ने काशी राजकुमारी अंबा का जाने या अनजाने में तनिक भर भी अपमान नहीं किया था, किंतु अपमान के नरक में जलने वाली अंबा ये देख नहीं पाई थी, और उसने हस्तिनापुर राजसभा में प्रतिज्ञा की थी कि चाहे उसे जन्म पर जन्म लेने पड़े, किंतु वही गंगा पुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसने जन्म पर जन्म लिया सहदेव, और आज शिखंडी बनकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित है। किंतु क्या पितामह उन्हें पहचान लेंगे वासुदेव? यदि वे गंगा पुत्र भीष्म ना होते तो कदाचित ना पहचान पाते, किंतु वे गंगा पुत्र भीष्म हैं, और इसीलिए शिखंडी के रूप में सामने खड़ी अंबा को अवश्य पहचानेंगे। आशीर्वाद दो पुत्र, मोक्ष का आशीर्वाद दीजिए माते। किंतु तुम इस समय यहां कैसे आ गए पुत्र? मैं सोच रहा था माते, बीते दिनों को तोल रहा था, तुला की डंडी बना स्वयं मैं ये देखने का प्रयत्न कर रहा था कि मेरा जीवन घाटे का सौदा निकला या लाभ का।
जिसने कभी अपने लिए कुछ किया ही ना हो पुत्र, उसका जीवन तो कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। बस अंबा का एक ऋण रह गया है, और जब आज वासुदेव ने युधिष्ठिर को इसलिए भेजा कि वो मेरा दिया हुआ विजय का आशीर्वाद लौटाए, तो मैं समझ गया कि अंबा का ऋण चुकाने की घड़ी आ गई है। मैं शिखंडी में छिपी हुई अंबा को पहले ही दिन पहचान गया था माते, पहले ही दिन पहचान गया था। किंतु आप यहां क्या कर रही हैं? भूमि के इस टुकड़े को बुहार रही थी पुत्र। भूमि के इस टुकड़े की क्या विशेषता है माते? कल यही तुम्हारी शैया बिछेगी पुत्र। तुम बहुत थक गए हो, अब विश्राम पर तुम्हारा अधिकार है। तुम लोगों ने मेरी सेवा ऐसी की है जैसे पुत्र पिता की करते हैं। मैं तुम दोनों की सेवा से अति प्रसन्न हूं। हम तो यही चाहते हैं अगले जन्म में भी आपकी सेवा करने का गौरव प्राप्त हो। अगले जन्म की बात ना करो, मैं आज से तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूं। तुम इसी क्षण से दास नहीं, हस्तिनापुर के नागरिक हो। हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जो आप हमें अपने से अलग कर रहे हैं? मनुष्य के लिए दासत्व से बड़ा कोई कलंक नहीं बंधु। वो तो स्वतंत्र ही जन्म लेता है और उसे स्वतंत्र ही मरना भी चाहिए। अब जाओ और अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ करो। किंतु जब आप सूर्यास्त के पश्चात लौटेंगे तो आपके शस्त्र अस्त्र कौन उतरवाएगा? आपके लिए धोया हुआ वस्त्र कौन लाएगा? मेरी चिंता ना करो नागरिक, अब जाओ। मुझे एकांत की आवश्यकता है। विधाता आप तुम्हें किसी जन्म में किसी का भी दास न बनाए। मुक्त करें दासत्व से भीष्म पितामह दास, अब न कहीं दासत्व का हो भारत में वास, हो भारत में वास। प्रणाम भ्राता शिखंडी, मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई आशीर्वाद नहीं है कुंती पुत्र। तुम्हारा आकार इतना बढ़ गया है कि आशीर्वाद का कोई हाथ तुम्हारे शीश तक नहीं पहुंच सकता। तुम तो आकार में विजय के आशीर्वाद से ऊंचे निकल चुके हो। विजयश्री
तुम्हारी छाया बन चुकी है कुंती पुत्र। यदि आशीर्वाद नहीं देना है तो ना दीजिए, किंतु मेरी एक प्रार्थना तो आपको माननी ही पड़ेगी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, भला मुझसे क्या प्रार्थना कर सकता है? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकूं? है श्री श्री, आज के युद्ध में मुझे आपका साथ चाहिए। आज मैं पितामह से अंतिम युद्ध करना चाहता हूं, और यह युद्ध मैं आपकी सहायता बिना जीत नहीं सकता। क्या आज आप मेरे साथ मेरे ही रथ पर चलने की कृपा करेंगे भ्राताश्री? बोलिए श्री श्री। अवश्य अवश्य कुंती पुत्र। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पितामह के साथ युद्ध करने के लिए मैं कितना व्याकुल हूं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। इस रणभूमि में आपके मुंह से विजयी भव सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं पिताश्री। जो आशीर्वाद मिल जाए पुत्र उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न करके देने वाले को लज्जित नहीं करना चाहिए। तुम क्या जानो तुम जो मांग रहे हो वो देने वाले के पास है भी कि नहीं, और यदि है तो कदाचित वो देना नहीं चाहता, और यदि नहीं तो वो लज्जित होगा। मांगने और देने वाले की अपनी अपनी मर्यादा होती है पुत्र, अपनी अपनी मर्यादा होती है। किंतु आपका पुत्र होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पास ये आशीर्वाद है नहीं, या आप ये आशीर्वाद मुझे देना नहीं चाहते। पिता से प्रश्न कर रहे हो पुत्र? तो आज्ञा दीजिए कि मैं दुर्योधन का सर काट के आपके चरणों में डाल दूं। मुझसे उसके व्यंग सह नहीं जाते। वो कहता है कि कौरवों की सेना में होते हुए भी आप और गंगा पुत्र भीष्म दोनों पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। ये वो मुझसे भी कह चुका है पुत्र। दुर्योधन तो उस बालक की भांति है पुत्र, जो चंद्रमा और अंगारे में अंतर ही नहीं कर सकता है। उसके कहे पर ध्यान मत। ध्यान दूं कैसे नहीं पिताश्री, ध्यान दूं कैसे नहीं। जब वो कहता है तो कर्ण मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कान किसी कटार की भांति सीधी मेरे हृदय के आर पार हो जाती है। और इसीलिए मैं आज आपसे यह असभ्य प्रश्न कर रहा हूं। मुझे बताइए पिताश्री, मुझे बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं? कदाचित मैं तुम्हारे पक्ष में हूं पुत्र, तुम्हारे पक्ष में। किंतु तुम मेरी और गंगा पुत्र की पीड़ा को नहीं समझ सकते। हम अस्त होते हुए सूर्य हैं पुत्र, और जब तक हम अस्त नहीं हो जाते नया सूर्य उदय नहीं हो सकता। इसलिए तुम हम लोगों की चिंता मत करो, हमें अस्त हो जाने दो। यही हमारी नियति है और यही हमारा ऐतिहासिक कर्तव्य है। कर्तव्य मार्ग पर नाते साथ नहीं चलते हैं पुत्र। इस मार्ग पर हर व्यक्ति अकेला ही रहता है। जो मैं कर रहा हूं उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, और जो तुम कर रहे हो उसका उत्तरदायित्व तुम पर है। इसलिए मुझसे यह ना पूछो कि मैं विजयश्री का आशीर्वाद तुम्हें क्यों नहीं दे रहा हूं। जो आशीर्वाद दे रहा हूं उसे प्रणाम करके स्वीकार करो, और यदि यह युद्ध जीतना चाहते हो तो अपने बल पर जीतो, क्योंकि यह युद्ध आशीर्वादों के बल पर नहीं जीता जा सकता है, नहीं जीता जा सकता है। आचार्य द्रोण ने यह क्या कहा संजय? ठीक ही तो कहा महाराज,
यदि कुरुक्षेत्र आप ही के कहने के अनुसार धर्म क्षेत्र है तो यह युद्ध आशीर्वादों का कवच पहन के नहीं जीता जा सकता। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं महाराज जो आशीर्वाद की मर्यादा जानते हो। आशीर्वाद देना भी बड़े दायित्व का कार्य है। स्वयं महारानी ने युवराज को विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया था। आशीर्वाद पूजा का प्रसाद नहीं है महाराज कि जो भी हाथ फैलाए उसी को दे दिया जाए। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे स्वर भी विद्रोही के स्वरों की भांति कड़वे होते जा रहे हैं संजय। कड़वाहट स्वरों में नहीं होती राजन, कुछ कड़वाहट कहने वाले के हृदय में होती है और कुछ सुनने वाले के हृदय में। यदि आप हस्तिनापुर नरेश न रहे होते, यदि आप युवराज दुर्योधन के पिता न रहे होते तो हे भरत श्रेष्ठ, आप इस युद्ध में विजयश्री का आशीर्वाद किसे देते? किंतु मैं हस्तिनापुर नरेश भी हूं और दुर्योधन का पिता भी, और मैं जो हूं वही रहूंगा। यह तो संभव है कि मैं हस्तिनापुर नरेश ना रहूं किंतु दुर्योधन का पिता फिर भी रहूंगा। इसलिए अपनी कड़वाहटें समेटो संजय, और मुझे अपनी कड़वाहटों के साथ जीने दो। तनिक सोचो संजय, तनिक मेरे दुर्भाग्य का फैलाव देखने का प्रयत्न करो कि मेरे पुत्र दुर्योधन को किसी ने भी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया, और उधर वाले विजयश्री के आशीर्वादों की मालाएं पहने हुए खड़े हैं, और मेरे पुत्र की वीरता देखो कि वो अकेला इन आशीर्वादों से जूझ रहा है। युद्ध का आज कौन सा दिन है संजय? ये 10वां दिन है महाराज। इतिहास मुझे क्या कहेगा संजय? ये प्रश्न न कीजिए महाराज, क्योंकि सत्य को आप सह नहीं पाएंगे और असत्य मैं कह नहीं सकता। तुम तो ना कहकर भी सब कुछ कह गए मित्र, सब कुछ कह गए। किंतु धर्म अमूर्त है संजय, निराकार है। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। पवन फूल के साथ कुछ व्यवहार करती है और धूल के साथ कुछ, इसलिए धूल का धर्म फूल के धर्म से भिन्न होता है। तो फूल के मापदंड से धूल को नापना धूल के साथ अन्याय होगा। मैं मानता हूं कि वासुदेव धर्म युद्ध कर रहे हैं, किंतु मैं भी धर्म युद्ध कर रहा हूं संजय, धर्म युद्ध ही कर रहा हूं। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दें या ना दें, गांधारी अपने पुत्र को विजयश्री का आशीर्वाद दें या ना दें, किंतु दुर्योधन इस धर्म युद्ध में मेरा प्रतिनिधित्व करता रहेगा। किंतु पवन का व्यवहार तो धूल और फूल दोनों के साथ समान ही होता है महाराज, पर फूल के पास पराग होता है और धूल के हाथ रिक्त। फूल एक टहनी से जुड़ा होता है, टहनी तने से, और तना जड़ों की उंगलियों से भूमि को पकड़े रहता है, किंतु धूल के पास कोई जड़ नहीं, तो वो उड़कर आंखों में पड़ जाती है, जैसे आप युवराज की आंख में पड़ गए हैं। हेलो, युवराज की जय हो। आज अर्जुन के रथ पर अर्जुन के साथ राजकुमार शिखंडी भी हैं युवराज। अर्जुन के रथ पर शिखंडी? मामा श्री, अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? अपने रथ पर जब वो अकेला था तब उसने क्या कर लिया था भ्राताश्री?
कि अब आप उस नपुंसक के आने से चिंता में पड़ गए हैं। और यूं भी एक रथ पर दो महारथी किस लिए? फिर भी तुम स्वयं जाकर गंगा पुत्र से पूछो प्रिय दुर्योधन, कल रात युधिष्ठिर उनसे मिलने आया था और आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी दिखाई दे रहा है। मुझे तो दाल में अवश्य कुछ काला दिख रहा है भांजे, जाओ शीघ्र देखो तो क्या बात है। सारथी रथ पितामह की ओर लो। प्रणाम। आयुष्मान भव। कल रात आपसे युधिष्ठिर क्यों मिलने आया था? वो मुझसे ये कहने नहीं आया था पुत्र कि तुम्हें त्याग दूं, और यदि ये कहता भी तो मैं नकार देता। फिर भी वो आपसे कुछ न कुछ तो कहने अवश्य ही आया होगा। वो कुछ कहने नहीं आया था पुत्र, वो कुछ लौटाने आया। वो मेरा दिया हुआ एक आशीर्वाद लौटाने आया। कौन सा आशीर्वाद? वो आशीर्वाद जो मैंने युद्ध आरंभ होने से पहले उसे दिया था, जिस पर तुमने अपना असंतोष भी प्रकट किया था। वो विजयश्री का आशीर्वाद लौटाने आया था पुत्र, विजयश्री का आशीर्वाद। और सच पूछो तो मेरे होते हुए वो विजयश्री का आशीर्वाद भी व्यर्थ ही था, क्योंकि मेरी पराजय तो हो नहीं सकती, और यदि मेरी पराजय नहीं हो सकती तो उनकी विजय भी नहीं हो सकती। तो फिर आपने क्या कहा? मैं दिया हुआ आशीर्वाद वापस लौटा तो नहीं सकता ना पुत्र, इसलिए मुझे अपने आप को हटाने का उपाय उसे बताना ही पड़ा। तो क्या आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का उपाय बता दिया पितामह? और क्या करता, अपने ही दिए हुए आशीर्वाद की लाज तो रखनी थी ना पुत्र। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा पितामह कि आप किसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, मेरे या उनके। मैं तो न तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा हूं पुत्र, न ही उनके। मैं हस्तिनापुर के पक्ष में युद्ध कर रहा हूं। हे पुत्र, मातृभूमि से अधिक आदरणीय कोई नहीं होता, अधिक आदरणीय कोई नहीं होता। यदि भगवान मुझसे पूछे कि हे गंगा पुत्र भीष्म, तुझे स्वर्ग चाहिए या हस्तिनापुर, तो मैं उससे हस्तिनापुर ही मांगूंगा। यदि हजार बार भी वो मुझसे पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो मैं हर बार हस्तिनापुर ही मांगूंगा पुत्र, हस्तिनापुर। मैं भी हस्तिनापुर ही मांग रहा हूं पितामह, किंतु आपको उनके हस्तिनापुर के बीच से हटने का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पितामह, मैं हस्तिनापुर नरेश कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि होने के नाते आपको यह आदेश देता हूं कि आप इस रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं युवराज, युद्ध के समाप्त हो जाने से पहले मैं रणभूमि नहीं छोड़ूंगा। और आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का क्या उपाय बताया पितामह? वो कोई विशेष उपाय नहीं था युवराज दुर्योधन, वो उपाय तो किसी भी क्षत्रिय को रणभूमि से हटा सकता है। मैंने युधिष्ठिर से ये कहा कि यदि कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र रख दूंगा, और ये तो तुम्हारे मामाश्री को भी करना पड़ेगा दुर्योधन। तो फिर अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? तो क्या आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी है? जी हां पितामह,
तब यदि तुम ये चाहते हो कि मैं युद्ध करता रहूं पुत्र, तो शिखंडी को मेरे सामने ना आने देना। किंतु अर्जुन ने शिखंडी को अपने साथ क्यों रखा है पितामह? क्योंकि वो एक नारी भी है। नारी? क्या समाचार लाए भांजे? समाचार यह है कि पितामह शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी के सामने आते ही पितामह शस्त्र रख देंगे और उनके शस्त्र रखते ही शिखंडी के पीछे से वो कायर अर्जुन पितामह पर बाणों की वर्षा कर देगा। अर्थात अर्जुन के रथ को गंगा पुत्र के रथ के आसपास नहीं फटकने देना चाहिए। भांजे, तुम अपने सारे योद्धाओं और महारथियों को आदेश दो कि वे गंगा पुत्र और अर्जुन के बीच में दीवार बनकर खड़े हो जाएं। भीष्म शिखंडी पर नहीं कभी करेंगे वार, किंतु पितामह की करें रक्षा किसी प्रकार। सब शकुनी संग सोचते कोई उचित उपाय, सब मिल घेरे तात को उनके प्राण बचाए।